सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आ गए हाईवे पे, आप लोग देख ही सकते हो हम लोग आ गए हाईवे पे। और आज करने वाले हैं मेरे डोमिनार का ओनरशिप रिव्यू। सो अभी तो मेरा डोमिनार ओनली 13,000 किलोमीटर्स चला है, तो उसमें क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हुआ है, क्या क्या मुझे प्लस पॉइंट मिला है, तो मुझे मैं आप सबको शेयर करूँगा आज। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे डोमिनार में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुआ है अभी तक। कुछ ज़्यादा नहीं, बस जो नीडी थिंग्स है वही मैंने करवाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइजर था वाइट कलर में, वो स्मोकी किया हुआ मैंने। और ये विंगलेट मैंने ऐड किया ऐसे ही लुक्स के लिए। और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला मैंने कार्बन फाइबर रैप कराया है एंड इस तरफ भी है। और यहाँ पर है HJT का फॉग लाइट्स एंड यहाँ पर कुछ स्टिकर्स वगैरह है। एंड यहाँ पर मैंने मोबाइल होल्डर लगाया और चार्जर इसका इनबिल्ट था। और यहाँ पर बजाज का सैडल स्टे एंड पीछे की तरफ जो है यहाँ से एक्सटेंडर होता है वो मैंने खोल दिया है लुक्स के लिए, टायर पीछे से अच्छा लगता है। और उतना ज़्यादा कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं है इंजन में, कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं है अभी तक, परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस कुछ भी नहीं। जो है वो स्टॉक है। और इसमें आपको अगर डोमिनार के बारे में बताना चाहता हूँ तो इसमें 43 पावर है, 35 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और पीछे 320 mm डिस्क है, सामने 320 mm डिस्क है और पीछे 280 mm का डिस्क है। बोथ साइड ABS है इस बाइक में। और इस 2020 मॉडल में यहाँ पर एक नया सम गार्ड ऐड किया है और ये नया ग्रैब रेल भी दिया है प्रोडक्शन के लिए। बस और कुछ नहीं, ऐसा ही है कुछ। बाइक का लुक थोड़ा गंदा है बाइक, बट मैनेज कर लीजिए। मैंने तो आपको बाइक का डिटेल्स दे ही दिया एंड इसके बाद एकदम डायरेक्ट मोटोब्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ आपसे। तो वहाँ पर मैं शेयर करूँगा मेरा रिव्यू कि मुझे कैसा लगा है कि कैसा नहीं लगा मेरे बाइक के बारे में, एंड इसका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मैं सब कुछ आपको शेयर करूँगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं एकदम मोटोब्लॉगिंग सेटअप में, आपके साथ मिलेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर भी कर देना मेरे वीडियो को। 500 सब्सक्राइबर जस्ट कंप्लीट हुए, तो और भी बढ़ना है आगे। ठीक है, तो चलिए एकदम मोटर व्लॉगिंग सेटअप में मिलते हैं। सो गाइस, मेरे फ्रेंड का आने का मैं वेट कर रहा था एंड अभी निकल गया हूँ। तो जो बात कर रहे थे, तो बात करते हैं इस बाइक के रिव्यू के लिए, रिव्यू के बारे में। तो प्लस पॉइंट बोलूँ पहले कि नेगेटिव पॉइंट, तो पहले मैं नेगेटिव पॉइंट ही शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है। नंबर वन, इसका वेट है ड्राइव 193 kgs एंड अगर एक्सेसरीज लगाओगे तो 200 kg पार हो जाएगा इस बाइक में। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट है इसका वाइब्रेशन, तो बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन है इसमें। बट अगर आप लोग जो बोलते हैं उसको वाइब्रेशन किट जो मिलता है वो लगाओगे तो 90% कम हो जाएगा वाइब्रेशंस। एंड थर्ड अगर बोलोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है नेगेटिव पॉइंट इस बाइक में। एंड पॉजिटिव पॉइंट अगर बोलोगे तो बहुत सारे हैं पॉजिटिव पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 40 PS पावर है, इसका जो पावर है ये सफिशिएंट पावर है हाईवे में एंड ऑफ रोडिंग बोथ दोनों में ही। ठीक है, सेकंड इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। थर्ड इसका प्राइस भी बहुत कम है 400 cc कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, देन फिफ्थ क्या ही बोलो, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट है। तो यही था पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो मैं अगर मेरा ओनरशिप रिव्यू मैं शेयर करूँ आपसे, तो मेरा ओनरशिप रिव्यू कि हाँ ये एक परफेक्ट बाइक है फॉर टूरिंग, ऑफ रोडिंग, फॉर स्पीड, थ्रिल, सब कुछ में ये एक 5-star वाला कैटेगरी में ये बाइक जाता है। और मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किया अभी तक वो है ज़ीरो, कुछ भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक फेस नहीं किया इस बाइक में। बस हाँ एक प्रॉब्लम है कि वाइब्रेशंस बहुत है, ये मुझे थोड़ा मतलब मेरे दिमाग को हिला देता है वाइब्रेशंस, क्योंकि मैं R15 से डोमिनार पर शिफ्ट किया हूँ और R15 में है ज़ीरो वाइब्रेशंस। तो थोड़ा अगर इसको भगा के देखते हैं, मेरा बाइक अभी तक चल गया है 13,351 किलोमीटर्स, अगर इसको भगा के देखते हैं तो देख ही सकते हो कि स्पीड कितना है इसका
हैंडल वर्किंग करता है इसमें, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आप लोग देखे कि मैंने फिफ्थ गियर में 151 उठाया एंड सिक्स गियर में 157, जब तक पूरा ऐसे 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 हो रहा था। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि आई थिंक टायर का एयर प्रेशर में कुछ ऊपर नीचे है, तो इसलिए इसका हैंडल बबल हो रहा था। बस 151 इज एनफ फॉर हाईवे, आई थिंक 100-120 इज एनफ फॉर क्रूजिंग इन अ हाईवे। एंड इसमें और कुछ वाइब्रेशंस नहीं है एंड यहाँ पर HGG का फॉग लैंप्स है, तो नाइट विजिबिलिटी भी मस्त है इसमें। एंड बाकी सब तो बिंदास है। ये देखो हैंडल स्टेबिलिटी देखो, ऐसे सीधा ही जा रहा है। तो और हाँ, सबसे बड़ा बात इसका माइलेज है हाई में मुझे मिलता है 30-32 मैक्सिमम, और अगर टाउन में अगर चलाओगे थोड़ा रफ चलाओगे तो वो मैक्सिमम 20 तक देता है, और अगर थोड़ा स्मूथ चलाओगे तो कितना ही देगा, 23-24 ऐसे ही। सो गाइस, यही था मेरा ओनरशिप रिव्यू, शॉर्ट एंड सिंपल। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना इस बाइक के बारे में, जो सब यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये है वो है, ये है बाइक में वो है बाइक में। भाई इंडिया का लोग बाइक मतलब वो स्पेसिफिकेशंस देख के ख़रीदते हैं। हाँ, वो एक बात है कि स्पेसिफिकेशंस देख के इंडिया का लोग बाइक खरीदते हैं, बट इंडिया का लोग बाइक खरीदते हैं जो बाइक उन लोगों को प्रॉफिट दे, जो बाइक उन लोगों को वैल्यू दे, मतलब उन लोगों के काम में आए, ऐसे बोलते हैं। और ये डोमिनार बाइक वैल्यू फॉर मनी बाइक है सबके लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ इनबिल्ड है, सब कुछ A to Z। सो ये वन ऑफ द 400cc बाइक में बेस्ट इन क्लास बाइक है मेरे अनुसार। और अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ रिव्यू में कुछ प्रॉब्लम लगा हुआ है तो थोड़ा कमेंट भी कर देना रिव्यू में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो टाटा।